ये है मेरी सासू माँ, जो कि आज आप लोगों को बनाना सिखाएंगी खस्ता, जिसे ठेकुआ भी कहा जाता है, जो कि यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है और हर एक वेकेशन और फेस्टिवल पे बनाया जाता है, और जो कि मेरे सासू माँ के हाथ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज आप सभी लोगों को ये बनाना सिखाएंगी अपने हाथों का टेस्टी खस्ता। घी डालने के आटा में घी डालने के खस्ता बना खाती, चीनी दो कटोरी, थोड़ा से नारियल का बुरादा, एक कटोरी पानी। खस्ता बनाने खाती ये सांचा है, खस्ता बनाने खाती अपना डिजाइन डिजाइन काट के अपन खस्ता बनाइए। ठीक है, खस्ता बनाने का ये सब विधि है, हतना हतना सामान मान के लिए डालिए। एक कटोरी चीनी और दो कटोरी होंगे, अब तो हई दर्दा डालती, हई नारियल का बुरादा अपना लावला के बाद ज़्यादा लाओ भा कम लाओ। घी लेके मिला दो, अच्छा से मान करो, थोड़ा सा पानी में चीनी घोल एक बार लाओ, पकाने वाला का ना है सना ही पानी लेके, ये खस्ता वाला है, थोड़ा सा पानी लेके ये मलाई सासू माँ, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है खस्ता बनाने की। इस आटे को पूरा रोटी की तरह नहीं गुथना है, कड़ा आटा इसको इसी तरीके से गुथना है, और जिससे कि आप ऐसा लोई बना सके, और ये रहे इनके अलग अलग साँचे जिनसे आप अलग अलग तरीके से खस्ता बना सकती हैं। हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं। ये एक छोटा सा लोई लेना है, और ये आपके आपके पास जिस टाइप का भी फ्रेम हो उसमें आप इस तरीके से दबा के हल्का सा घी लगा ले, उसके बाद जिससे ये आसानी से ये निकल सके। ये देखिए एक नया तरीका है इस फ्रेम से अच्छा सा डिजाइन, फूल की तरह डिजाइन बनाने का। इसमें अलग अलग है, मेरे पास हार्ट शेप का है, फ्लावर शेप का है, और ये है एक स्टार शेप का, और जो असली में बनता है ठेकुआ का डिजाइन वो इस सांचे पे बनता है, जो कि अक्सर छठ के टाइम में बनता है, बाकी और भी त्योहारों पे बनाया जाता है। इसमें लोई लेना है और इसको एक हाथ से प्रेस करना है, और ये देखिए ये आपका डिजाइन बनके तैयार हो गया है। आप इसमें कोई भी, यहाँ पे इसमें चारों तरफ से डिजाइन से आप किसी भी तरफ से डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने कुछ बना के तैयार किए हैं, ये जो दो इस सांचे पे बने हुए हैं, बाकी ये स्टार शेप में, ये फ्लावर शेप में, और ये है हार्ट शेप में। अब इनको हम घी में तलेंगे। घी में गरम हो तो ज़्यादा गरम कोई तला नहीं, आप पाचे धीरे धीरे पकना चाहिए।
इसे धीरे धीरे आंच पे पकाएं, जल्दी ना करें तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है, अब आप इसे निकाल दीजिए और ठंडा होने के बाद अपने फैमिली वालों को खिलाइए। अभी हम चलते हैं, लाके दिखाती हूँ कैसा बना। मैं एक नंबर, मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत अच्छा बना है सच में। हाँ थैंक यू।